फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं स्पीच का एक्टिविटी लेके आया, तो आज का एक्टिविटी भी शुरू से लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। जो 15 एक्टिविटी करके और ऑक्यूपेशन थेरेपी करके पूरा टाइम अथर्वा को बिजी रख के, जो अथर्वा इतना जल्दी ऑनवर्ड बोलने लगा था, तो उसके ऊपर मैं आज फिर वीडियो मतलब एक्टिविटी बोलूँगी। एक्टिविटी करके मैं नहीं देखा सकती क्योंकि अभी इतना एक्टिविटी हमारे पास है ही नहीं है। तो वो एक्टिविटी मेरे नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा नोटबुक, तो नोटबुक में सारा लिख के रखा था मैंने, वो मैंने करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो और एक्टिविटी कराओ। और बच्चों के साथ एक्टिविटी के टाइम हमेशा बोलते रहना है, चुप नहीं रहना। और सिर्फ स्पीच के ऊपर एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा नहीं बोल पाएगा। आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एक्टिविटी होता है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, हाइपर एक्टिविटी, काफ़ी सारे एक्टिविटी होता है जो मेरे चैनल पे आए, वो करना पड़ेगा। और स्पीच के ऊपर काम करना पड़ेगा, इमिटेशन स्किल, मतलब स्पीच का जो ये एक्टिविटी है इसमें आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, थिंकिंग स्किल अच्छा होता है, तब जाके बच्चा धीरे धीरे आपके साथ कॉपी करने लगेगा। और ऑक्यूपेशन थेरेपी जरूर कराना है। तो आज फिर मैं पहले एक वीडियो दिया जिसमें है स्पीच 1, 2, 3, 4 ईयर्स के बच्चे को कैसे सिखाए, उसका एक्टिविटी मैंने दिया 3 दिन पहले। तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें 15 एक्टिविटीज़ है। और आज फिर मैं 15 एक्टिविटीज़ बताऊंगी, मतलब टोटल 50 एक्टिविटी है मेरे पास। तो मैं उस दिन 15 बताया, आज 15 बताऊंगी। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, रोज़ कराना है बच्चे के साथ, तब जाके धीरे धीरे बच्चा बोलने लगता है। तो आ जाइए, पहले बैलून फुलाना है बेटा। बैलून माने बोला ना, फुला के रखो, आप फुलाओ, जल्दी फुलाओ। तो फिर क्या करना है, प्लास्टिक का जो रबर टॉयज होता है वो बच्चों से पानी के अंदर डालेंगे, बच्चों का हाथ पकड़ के धुलाएंगे, फिर बच्चों से हैंकी से पोछाएंगे। तो उसके बाद प्लास्टिक का कोई भी टॉयज आप धुला सकते हो। उसके बाद क्या है, बच्चे का जो फेवरेट टॉयज है ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट है प्लास्टिक का टॉयज धुलाएंगे हाथ पकड़ के और उससे पोछाएंगे। तो उसके बाद जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है उसका फेवरेट जो टॉयज है वो भी धुलाना है, फिर पूछना है, फिर उससे खेलना है। ये ऐसे बैलून आप फुलाएंगे, मैंने अथर्वा से फुलाया, तो उस टाइम तो अथर्वा को फुलाना नहीं था। तो बैलून आमने सामने फेस टू फेस बैठ के अगर फुलाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा से देखता है बैलून फुलाना। उसके बाद क्या करना है, बैलून का हवा थोड़ा सा, नहीं आपको ऐसे नहीं करना, हवा उसका फेस पे देना है, फेस पे देना है, फिर दोबारा फुलाना है। फुला के फिर बैलून को आप छोड़ देंगे और ऐसे साउंड निकालेगा, छोड़ देंगे और बैलून उड़ जाएगा। तो ये थर्ड एक्टिविटी है। उसके बाद क्या करना है, बच्चे को आमने सामने करके ऐसे करके उसको फेस पे फू मारेंगे और बहु ऐसे करेंगे, तो बच्चा देखेगा आपको। उसके बाद बच्चों से कराना है, बच्चे को बोलेंगे जे आप भी करो। मामा मैं अभी सोने जा रहा हूँ। नीनी आ गई? नीनी आ गया, जाओ। अथर्वा डिनर कर लिया, अभी अथर्वा को नींद नहीं आ गई क्योंकि बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। अभी भी पार्क जाके ये 1.5 घंटा खेलता है, भागता है, इतना खेल कूद करके आता है, फिर घर पे भी एक्टिविटी होता है, योगा होता है। तो आप लोग को योगा, जो अथर्वा को योगा कराती उसका वीडियो भी मिलेगा। तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, अभी 10 डेज शुरू होगी उसका योगा क्लास, मैं ही कराती हूँ यूट्यूब देख के। तो मेरा बच्चा काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है योगा करने में, अनुलम विलोम कर लेता है, कपालभाति कर लेता है, मतलब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी मेरा बच्चा कैच कर लेता है हर एक एक्टिविटी। तो ऐसे ही उसके बाद उसको हाथ मुंह पे फूक मारना और फूक मार के फिर भो करना, वो कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, जैसे एक बर्तन में पानी ले लिया और एक बर्तन खाली ले लिया, उसमें ये वाला एक्टिविटी भी मेरा चैनल पे है जो वाटर एक्टिविटी लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, एक स्पॉन्ज लेंगे या तो हैंकी लेंगे, फिर पानी में डुबाना सिखाएंगे, फिर हाथ से ऐसे करके निचोड़ के दूसरा बर्तन में रखेगा, या तो वह एक हाथ से ऐसे हैंकी को निचोड़ के
खाली बर्तन में पानी रखेगा, तो भरा भरा हुआ बर्तन देखेगा और धीरे धीरे वो खाली बर्तन में पानी चला जाएगा और भरा हुआ बर्तन खाली हो जाएगा। तो बच्चों को थिंकिंग स्किल और आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। तो स्पीच थेरेपिस्ट का जो थेरेपिस्ट होता है वो काफ़ी सारे एक्टिविटी आई कॉन्टैक्ट की और मतलब थिंकिंग स्किल की देता है, जो करके बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। उसके बाद ही बच्चा आपके साथ कॉपी करने लगेगा। ये एक्टिविटी छोटा नहीं समझना, जो ये इजी है तो हमारा बच्चा नहीं कर लेगा, तो इसमें कैसे स्पीच में इम्प्रूवमेंट आता है। पेरेंट्स ये एक्टिविटी करके अथर्वा बोलने लगा, 50 एक्टिविटी मिला था छः महीने में, तो वो करके अथर्वा वन वर्ड मेरे साथ रिपीट करने लगा था। तो सारे वीडियो आपको देखना है, सारे एक्टिविटी आपको करना है, रेगुलर करना। दो बोतल लेना है और बोतल के ढक्कन खोल के उसके अंदर वो रखना है, कप रखना है जो कूपी बोलता है, और उसमें से मग में आप पानी डालोगे और बोतल के अंदर कलर डाल के रखोगे और बोतल का पानी कलरफुल होते जाएगा। ये बच्चे को दिखाना है, फिर बोतल उठा के ऐसे हिला के दिखाना है, तो कलरफुल पानी देखेगा बोतल के अंदर, व्हाइट बोतल के अंदर। तो बच्चे का अटेंशन आता है, बच्चा देखता है, आई कॉन्टैक्ट देता है और सोचता भी है बच्चा जो कैसे ऐसे हो गया। एक बोतल में फ्रेश पानी रहेगा और ये दूसरी बोतल में कलरफुल पानी बनेगा, जैसे रेड कलर डाल दिया तो पानी आप भरेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, बच्चे को मग से पानी डाल के बोतल भरना सिखाना है। दो बोतल लेंगे तो बोलेंगे मग से बोतल को भरो और वो हाथ पकड़ के करना है। शुरू में बच्चे के अंदर इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो बच्चा खुद से मग से पानी भर के बोतल का इतना छोटा सा मुंह वाला ढक्कन कैप वाला बोतल तो उसमें पानी डाले, ये फिर बच्चों से होता नहीं है। उसके बाद फिर क्या करना है, ऐसे स्पून लेना है जो स्पून में ऐसे होल रहता है, सेद रहता है, और सेद ऐसे स्पून को हैंगिंग करना सीखना है। तो ये वाला स्पून हैंगिंग करना अथर्वा के लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि छोटा सा होल होता है, वो हैंगिंग करके लटका के रखना बहुत ही मुश्किल है। तो ये करना है, स्पून करना है, और नेक्स्ट क्या करना है, प्लास्टिक का जो बैग होता है वो भी आप देवाल में खिल टुक के रखेंगे। तो देवाल में खिल टुक के रख के उसके अंदर प्लास्टिक का बैग, हर रोज प्लास्टिक का जो कैरी पैकेट होता है वो लटकाना सिखाना है। तो ये अथर्वा को मैं मतलब काफ़ी टाइम लगा था, उसके अंदर कॉन्सेप्ट था ही नहीं, एक खिल के अंदर एक खिला मैंने देवाल पे ठोक दिया और उसके अंदर कुछ भी डालो, तो बहुत ही डिफिकल्ट था। हाथ पकड़ के करते करते अथर्वा ये सीख गया था, तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला मुझे। ब्लॉक से टावर बनाना सीखाना है हाथ पकड़ के, और टावर बनाना सीखाना है। और नेक्स्ट फिर क्या करना है, राजमा चावल छोले ये लेना है और छोटा स्पून लेना है, जो स्पून से आप खाना खाते हो ऐसे वाला छोटा स्पून लेना है, और छोटा मुंह छोटा कैप वाला मतलब ढक्कन वाला छोटा मुंह वाला जो डब्बा होता है वो लेना है, और छोटा मुंह वाला डब्बा में खाने वाला छोटा स्पून से फिर राजमा चावल छोले कुछ भी हो वो डब्बा में डालेगा। एक बर्तन में राजमा या छोले या चावल होगा और एक खाली छोटा मुंह वाला डब्बा होगा उसमें डालना है। तो ऐसे करके बच्चे को अटेंशन और थिंकिंग स्किल और आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है, क्योंकि और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा आता है, क्योंकि छोटा ढक्कन वाला डब्बा में छोटा स्पून से बैलेंस करके स्पून भर के बैलेंस करके डालना ये बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। पेपर रोल करेंगे, रोल करके पेपर गाम से चिपका देंगे रोल करा हुआ पेपर, और एक छोटा मुंह वाला डब्बा लेंगे उसके अंदर बड़ा बड़ा इतना साइज का होगा पेपर और रोल करेंगे, और एक डब्बा लेंगे जिसका मुंह मतलब इतना छोटा सा होगा, और रोल करा हुआ पेपर आप क्या करेंगे, 10 पेपर रोल करके रख दिया और वो डब्बा में ढालते रहेगा। तो डब्बा में ढालेगा तो उसको अटेंशन बहुत अच्छा आएगा और आई कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। अंडा लेके आएंगे और अंडा का जो ट्रे है, अगर आपके पास अंडा देने में अगर आप डरते हो जे अंडा देंगे तो अंडा टूट जाएगा, तो अंडा का जो ट्रे है ट्रे में आप पोटैटो या ओनियन लेके उसको, पोटैटो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि पोटैटो की शेप भी काफ़ी हद तक अंडा जैसे ओवल शेप होता है, तो अंडा जैसे खड़ा करके रखता है पोटैटो, अंडे का जो ट्रे है उसके अंदर खड़ा करके रखेगा। उसके बाद जब पोटैटो रखना आ जाए उसके बाद क्या करना है, रियल अंडे को अंडे का ट्रे में रखना सिखाना है। तो उसके उसमें और ये बताते रहना है, आराम से रखो नहीं तो टूट जाएगा, हाथ पकड़ के आप धीरे रख के भी उसको सिखाओगे। तो ये शुरू में पोटैटो के साथ रखना है, अंडे के ट्रे में पोटैटो रखना है,
और उसके बाद रियल अंडा ट्रे में रखना सिखाना, आटा बुनना सिखाना है। एक प्लेट में थोड़ा सा आटा दे देंगे, थोड़ा पानी दे देंगे, बच्चे का हाथ पकड़ के आप कोशिश करेंगे जो पूरा आटा को गीला करके मतलब मिक्स करें। बुनना तो इनके लिए मुश्किल है, तो अगर आटा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करें, ये हमारे लिए बहुत है। और इसमें क्या होता है, पानी के अंदर आटा के अंदर पानी डालेंगे और वो मिक्स करने की कोशिश करें तो उसको सेंसरी प्रॉब्लम में काफ़ी हर तक मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेंसरी का जो इशू रहता है इसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। अगर बच्चा खुद से ना करे तो हाथ पकड़ के उसको मिक्स करना, पानी के साथ आटे को मिक्स करना सिखाना है। बुंदा हुआ टाइट आटा से रोटी बनाना सिखाना है, और रोटी बना के उसके अंदर बॉटल का ढक्कन रख के प्रेशर दे के फिर सर्कल बनाना सिखाना है। सर्कल कोई भी शेप हो, कुछ भी मतलब रोटी जैसे बनाएगा, फिर आटा बुंदा हुआ आटा से एक किले से रोटी जैसे बनाएगा, और फिर छिपी रख के मतलब बॉटल का ढक्कन रख के कैप रख के हाथ से ऐसे प्रेशर देके फिर छोटा छोटा सर्कल बना पे शेप बनाएंगे। उसके बाद कलरफुल पेपर काट के शेप बना के आप जो ड्राइंग करके शेप रखा उसके ऊपर सेम शेप के ऊपर सेम शेप रखना सिखाना है। और फिर क्या करना है, आप एप्पल या ऑरेंज ड्राइंग कर देंगे और पेपर देंगे और फेविकॉल देंगे, फिर फिंगर से फेविकॉल ड्राइंग करा हुआ एप्पल पे ऑरेंज पे लगाएगा, और जैसे एप्पल होगा तो रेड कलर की पेपर और ऑरेंज होगा तो ऑरेंज कलर की पेपर, फिर बच्चे को हाथ पकड़ के पेपर फाड़ना सिखाना है और ग्लू लगा के एप्पल ऑरेंज के ऊपर फिर पेपर चिपकाना, जो पेस्टिंग एक्टिविटी है वो करना है। इसमें भी बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और अटेंशन देना पड़ता है, और फाइन मोटर स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है, आई कॉन्टैक्ट भी अच्छा होता है, तो ये भी करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, बिंदी का पत्ता लेना है, बड़ा साइज का बिंदी लेना है, और एक पत्ता खाली बिंदी का एक पत्ता एक साइड में रखना है, या छोटा छोटा आप एक मतलब नोटबुक में बॉक्स बना देंगे तो पत्ता से बिंदी उठा के खाली पत्ता में रखना है, तो और गैप नहीं छोड़ना है, एक के बाद बॉक्स बना देंगे जो इसके बाद ये रखना है, इसके बाद ये रखना है, तो उसके अंदर बेटा आपको नींद आया तो आप फोन नहीं देखना, आप सो जाओ, वेरी बैड बच्चे। तो फिर बच्चे को मतलब बॉक्स बना देंगे छोटा छोटा बिंदी रखने की, बिंदी का जो पत्ता होता है उसके अंदर मतलब एक बॉक्स में रख दिया, दूसरा बॉक्स गैप छोड़ दिया, तो आपको तब सीखना है इसके बाद वाले में रखना है, इसके बाद वाले में रखना है। तो बच्चे बोले ना बोले, बच्चे समझ आए ना आए, हाथ पकड़ के ऐसे करना है, तो ऐसे कर करके अथर्व को मतलब बात का जो कॉन्सेप्ट है और खाली नहीं छोड़ना, सारे में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आ गया था। काफ़ी दिन करने के बाद फिर बच्चे को अगर बिंदी दे दोगे तो फिर बच्चा खुद करेगा, उसमें क्या है बच्चा इंगेज हो जाता है और बच्चे अटेंशन देता है। अगर बच्चा अटेंशन देगा तब भी तो बच्चा आपको कॉपी करेगा, तब भी तो आपको इमिटेशन करेगा और आपका बातें रिपीट करने लगेगा। तो ये जितना एक्टिविटी मैंने बताया प्लीज़ आप लोग कराइए, और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को पता लगेगा, और कराइए। 15 एक्टिविटीज़ हो गया, नेक्स्ट फिर मैं 15 एक्टिविटीज़ दूसरा वीडियो में मैं दूंगी। आज यह तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सब लोग अच्छा रहे, सुस्त रहिए, यही प्रे करती हूँ। और मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स अपना बच्चों के साथ एक्टिविटी करे और बच्चे को इम्प्रूवमेंट आए। अगर बच्चे को इम्प्रूवमेंट आए और मुझे कमेंट में बोले तो मैं इतना ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास बोलने का वर्ड नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स होता है जो बोलता है मेरा चैनल का एक्टिविटी करके उनको बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया, तो अब मुझे मतलब इतना अच्छा फील होता है जो मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ, तो तब मुझे लगता है मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो पेरेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो देखिए, एक्टिविटी करना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। आप जितना इधर उधर मतलब टाइम वेस्ट करोगे उससे तो अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से आप जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी देख के एक्टिविटी कराओगे तो आपको बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसलिए हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, टेंशन नहीं करना, हमें सिर्फ ज़रूरत है एक्टिविटी करने की। हम अगर जी जान लगा के एक्टिविटी करेंगे तो ऊपर वाला भी हमें फल देने के लिए ज़रूर आ जाता है। तो ये शुरू में मुझे पता नहीं था, शुरू में मुझे भी लगता था मेहनत मैं बेकार कर रही हूँ तो शायद मेरा बच्चा कभी बोलेगा नहीं, लेकिन मैंने देखा जो रियल मैंने फेस किया, हाँ मेहनत करने से भगवान ज़रूर उसका फल देता है, और मैं मेहनत करने से
सीवियर बच्चा भी बोलने लग जाता है, काफी इम्प्रूवमेंट कर लेता है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर हमारा बच्चा बोल नहीं सकता है, अगर एक्टिविटी करके वो अपना दिल की बात बताए, अपना फीलिंग्स बताए, अपना काम, अपना खाना पीना, नहाना, पॉटी क्लीन करना, सब कुछ खुद सीख जाए, हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे, तो इससे बड़ी बात और कोई पेरेंट्स को होता नहीं है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज, थोड़ा सा मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है, लेकिन करने से फिर आसान हो जाता है। 4-5 साल तक ज़्यादा मुश्किल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आसान हो जाता है रास्ता। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक्टिविटी देखिए और पढ़ाइए, तो आपका बच्चों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, और तब आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मैं बहुत खुश होंगी। और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, अथर्वा से भी आगे जाए, तो आप लोग करते रहिए और सपोर्ट कीजिए अथर्वा को, और साथ रहिए हमारी, और प्रे करते रहिए अथर्वा के लिए, जो अथर्वा एक दिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसे सीवियर बच्चा नॉर्मल होता नहीं है, मैंने अभी तक देखा नहीं है सीवियर ऑटिज्म बच्चा नॉर्मल होने में, तो अथर्वा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया, चलने का लायक भी हो गया काफ़ी हद तक, अभी भी कुछ है जो मुझे पता लगता है। तो आज यह तक न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी न्यू वीडियो। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।